हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम सीखेंगे, एक तो अपना परिचय देना सीखेंगे, किस प्रकार से हम अपना और अपने साथियों का परिचय देते हैं। परिचय देना को हम कहते हैं इंट्रोडक्शन। तो किस तरह से आप जो है अपने साथियों को या जानने वालों को अपना इंट्रोडक्शन देंगे, ये सीखना है। और इसके साथ साथ हम जो है इंट्रोडक्शन को हम हिंदी में कहते हैं परिचय देना, अपने बारे में बताना या अपने साथी के बारे में बताना, इनको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन या परिचय। तो सबसे पहले इसके साथ साथ हम सीखेंगे इज एम का प्रयोग करना। इज एम और आर का कहाँ पर प्रयोग करेंगे, आने वाली वीडियोस में हम ये सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है राजू को देखते हैं। हाय, आई एम राजू। आई एम एम आई मैं आई के साथ मैं के साथ लगता है। हूँ राजू, आई एम राजू। मैं हूँ राजू। मेरे साथ साथ बोलिए, जोर जोर से बोलिए। आई एम हाय, आई एम राजू। मैं राजू हूँ। आई एम, आई के साथ एम लगेगा। आई एम 7 years old, मैं 7 वर्ष का हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, स्टूडेंट STUDENT, आई एम अ स्टूडेंट, स्टूडेंट यानी विद्यार्थी। हाय, आई एम राजू। आई एम 7 years old, आई एम अ स्टूडेंट। दिस इज अनु। तो दिस इज अनु, शी इज माई सिस्टर, मेरी बहन। शी इज, यह है। शी इज, शी के साथ इज, आई के साथ एम, शी के साथ इज। शी इज माई सिस्टर। शी इज 5 years old। तो माई सिस्टर मेरी बहन, योर सिस्टर तुम्हारी बहन, हिज सिस्टर उसकी बहन, हर सिस्टर उसकी बहन। दिस इज संजू, दिस इज संजू, ही इज माई ब्रदर, ये मेरा भाई है। दिस इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर। ही इज ऑल्सो अ स्टूडेंट, यह भी एक विद्यार्थी है। ऑल्सो लगाते हैं हम भी के लिए, यह भी एक विद्यार्थी है। ही इज ऑल्सो अ स्टूडेंट, ही इज ऑल्सो अ स्टूडेंट। मीट माई फादर, मेरे पिताजी से मिलिए। ही इज, मीट माई फादर, ही इज द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। आई लव माई पापा। दिस इज माई मदर, हर नेम इज शीला। शी इज द मोस्ट लवली मदर इन द वर्ल्ड। दिस इज मिस नीमा, शी इज अवर स्कूल टीचर। शी इज अवर स्कूल टीचर। दिस इज डॉक्टर अर्चना, दिस इज डॉक्टर अर्चना। हर फादर इज ऑल्सो अ डॉक्टर, उनके फादर भी डॉक्टर हैं। हर फादर,
हर हम गर्ल्स के लिए गाते हैं, और हर फादर इनके पिता, माय फादर मेरे पिता, योर फादर तुम्हारे पिता, हिज फादर उसके पिता, हर फादर गर्ल्स के लिए यूज किया जाता है और हर फादर उनके पिता। दिस इज मिस्टर सलीम, ही इज अ शॉपकीपर। तो हम जो है इज एम आर का प्रयोग करते हैं जहां पर भी हमें है या होना के लिए है या होना के लिए जहां पर हम प्रयोग करते हैं वहां पर हम जो है जहां ये प्रयोग करना होता है वहां पर हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो जैसे देखें हम हाय आई एम राजू, आई एम 5 years ओल्ड, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। अगर हम किसी से पूछना हो आर यू ए स्टूडेंट, जैसे हम कोई इससे पूछता है क्या तुम स्टूडेंट हो, तो हम क्या करते हैं एम को आगे ले जाते हैं, ये बन जाता है आर, आर यू अ स्टूडेंट, आर यू, कोई पूछेगा क्या तुम स्टूडेंट हो तो यू आर लगता है ना, तो ये आर जो है यू आर अ स्टूडेंट, तो ये आर जो है आगे आ गया, आर यू अ स्टूडेंट, तो कहेगा नो, यस यस आई एम अ स्टूडेंट, यस आई एम अ स्टूडेंट। तो अगर हमें जो है कहीं पर नॉट लगाना हो, नेगेटिव सेंटेंस करते हैं नॉट को, तो ये एम के बाद यहां पर आएगा, ठीक है, आई एम नॉट ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट नहीं हूं, या आई एम ए स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूं, आई एम नॉट ए स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी नहीं हूं कहना हो तो आई एम नॉट ए स्टूडेंट। दिस इज अनु, शी इज माई सिस्टर, शी इज माई सिस्टर। अब हमने जो है हाँ या ना वाला सवाल बनाना है, तो हम इस को आगे ले जाएंगे। अब कोई पूछता है वो तुम्हारी बड़ी बहन है, अनु तुम्हारी बड़ी बहन है या छोटी बहन है, तो बड़ी बहन के लगता है एल्डर, एल्डर, और छोटी बहन के लगता है यंगर। एल्डर बड़ी बहन, और जहां पर भी उम्र में बड़े के लिए इस्तेमाल करना होता है तो हम एल्डर इस्तेमाल करते हैं, जहां उम्र के लिए छोटा इस्तेमाल करना होता है वहां पर हम जो है यंगर। तो कोई उससे इस को आगे ले गए तो अब ये बन जाएगा इज शी योर एल्डर सिस्टर, इज शी योर एल्डर सिस्टर, क्या वो तुम्हारी छोटी बड़ी बहन है। इज इस को आगे लेके अब बाकी सेंटेंस ऐसा रहेगा इज शी योर एल्डर सिस्टर, एल्डर सिस्टर, तो आप जवाब दोगे नो शी इज माई यंगर सिस्टर, She is my younger sister.
अब जैसे मीट माय फादर, तो कोई पूछेगा इज योर फादर, तो इस इज को हम जो है आगे ले जाते हैं, तो हाँ या ना वाला क्वेश्चन बनता है, क्या तुम्हारे पापा टीचर हैं, तो हमने इसको आगे लेके इज योर फादर अ टीचर, क्या तुम्हारे फादर टीचर हैं, क्वेश्चन मार्क। तो वो कहता है नो माय फादर इज अ बिजनेसमैन, बिजनेस करता हो, कोई दुकान करता हो, व्यापारी है, तो उसको हम कहते हैं बिजनेसमैन। सॉरी, एक मिनट वेट कीजिएगा, बिजनेस की स्पेलिंग सही कर देते हैं। नो ही इज अ बिजनेसमैन, नो ही इज अ बिजनेसमैन। तो इस कहाँ क्या कहाँ आया आया इसके बाद आया अगर नॉट लगाएंगे तो इसके बाद आ जाता है। दिस इज माय मदर, हर नेम इज शीला, इनका नाम शीला है। अगर किसी ने पूछना हो क्या तुम्हारी मदर हाउसवाइफ, क्या तुम्हारी मदर टीचर हैं, तो इसको सबसे पहले ले जाओ। ये सेंटेंस जो है इज एम आर से शुरू होते हैं, तो ये सेंटेंस बनेगा इज योर मदर अ टीचर, क्या तुम्हारी मदर एक टीचर है, ये हाँ या ना वाला प्रश्न है, इसका जवाब आप हाँ या ना में देते हैं। तो जब भी कोई प्रश्न हाँ या ना वाला होता है तो वो जो है इज एम आर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। इज योर मदर ए टीचर, तो अगर आपकी मदर नहीं है तो आप कहेंगे नो माय मदर इज अ हाउसवाइफ, तो घरेलू महिला है, यानी कि हाउसवाइफ, जो घर के काम काज देखती हैं, जो माताएं उनको हम कहते हैं हाउसवाइफ। माय मदर इज अ हाउसवाइफ। आप ऐसे भी कर सकते हैं इज योर मदर अ टीचर, तो आप लिखेंगे नो माय मदर इज नॉट अ टीचर, शी इज अ हाउसवाइफ। दिस इज मिस नीमा, शी इज अवर टीचर। तो किसी ने पूछा क्या मिस नीमा तुम्हारी इंग्लिश टीचर है, इज मिस नीमा नीमा योर इंग्लिश टीचर।